सभी कंपटीशन परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी काला, सी नीला, डी केसरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केसरिया। आपका दूसरा सवाल है, भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। आपका तीसरा सवाल है, सांप को अपना भोजन पचाने में कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन है ए 4 दिन, बी 2 दिन, सी 5 दिन, डी 8। दिन आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 दिन। आपका चौथा सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो आदमी की तरह रोता है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी हाथी, सी कुत्ता, डी भालू। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भालू। आपका पांचवा सवाल है, किस जीव को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है? आपका ऑप्शन है ए चूहा, बी हाथी, सी कुत्ता, डी भालू। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चूहा। आपका छठवां सवाल है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है? आपका ऑप्शन है ए 50 साल, बी 35 साल, सी 40 साल, डी 60 साल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 60 साल। आपका सातवां सवाल है, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है ए 22 हड्डियां, बी 12 हड्डियां, सी 32 हड्डियां, डी 42 हड्डियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 हड्डियां। आपका आठवां सवाल है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कंप्यूटर, बी डिवाइस, सी नेटवर्क, डी अंतरजाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंतरजाल। आपका नौवां सवाल है, बुलंद दरवाजा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका दसवां सवाल है, आगरा का ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका ग्यारहवां सवाल है, शरीर के किस अंग पर तेल लगाने से कान साफ हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए सर में, बी होठ में, सी नाभि में, डी नाक में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाभि में। आपका बारहवां सवाल है, कौन सा पक्षी जीवन भर पेड़ नहीं बैठता है? आपका ऑप्शन है ए तोता, बी गौरैया, सी बुलबुल, डी टिटोनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका तेरहवां सवाल है, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? आपका ऑप्शन है ए दोख का, बी शांति का, सी खतरे का, डी विरोध का।
का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विरोध का। आपका 14वां सवाल है, सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 100 दांत, बी 200 दांत, सी 300 दांत, डी 400 दांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 200 दांत। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 15वां सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए शुक्र, बी शनि, सी मंगल, डी पृथ्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पृथ्वी। आपका 16वां सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अंडे नहीं बल्कि बच्चों को जन्म देता है? आपका ऑप्शन है ए बाज, बी तोता, सी कोयल, डी चमगादड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चमगादड़। आपका 17वां सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा काले होते हैं? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी जापान, डी अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अफ्रीका। आपका 18वां सवाल है, लाल चंदन किस राज्य में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी सिक्किम, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। आपका 19वां सवाल है, नहाते समय पेशाब लगना किस बीमारी का लक्षण है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी पथरी, सी सुगर, डी पेशाब की नली में इन्फेक्शन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पेशाब की नली में इन्फेक्शन। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 5 रंग, बी 6 रंग, सी 7 रंग, डी 8 रंग। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।